कन्याएं खिलाने की तैयारी चल रही है। प्रोग्राम से घर आए और घर आके बस तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है नवरात्रों के समय। नवरात्र समाप्त जैसे ही होते हैं तो कन्याओं को खिलाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसको निभाने का भी फर्ज होता है। तो बस तैयारी चल रही है, पूरी सेक रही हूँ, खीर बन चुकी है और छोले की सब्जी भी बन चुकी है। और कन्याओं के लिए जो भी जो कुछ भी किया जाता है वो सारी तैयारी लगभग हो चुकी है। चुन्नियाँ भी इकट्ठी कर ली हैं हमने और बस थोड़ी देर में कन्याएं आने वाली हैं और तभी कन्याएं खिलाएंगे। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये समय भी अलग ही होता है, जो अलग ही फीलिंग लाता है। मौसम भी बहुत अच्छा आज हो रखा है तो कन्याओं को आने में भी आज कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे गर्मी हो जाती थी लेकिन आज क्योंकि बारिश हो रही है पिछले दो दिन से तो बहुत अच्छा सुहाना मौसम भी बना हुआ है और ऐसे मौसम में कन्याएं घर पे आने वाली हैं कुछ ही देर में। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है। ढेर सारी पूड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं क्योंकि कन्याएं अच्छे से भोग लगा के जाए। थोड़ी देर में मिलते हैं। बालाजी महाराज की, सब बच्चे बोलो, सब बच्चे बोलो दुर्गा मैया की जय। संस्कृति अपनी जगह बैठ जाओ फौरन, सबसे पहले बैठो, अगले 5 सेकंड के अंदर बोलो जय माता की। बोलो बच्चे जोर से जय माता की। बोलो बच्चों तेज तेज बोलो सभी, सबको जय माता की। घर की कन्या सबसे पीछे है, इधर बैठ तुम रख देंगे। अरे जल्दी आओ, संस्कृति तो हमारी, बैठो। चलो सब लोग जय माता की बोलो, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय प्रेम से बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, जय प्रेम से बोलो, ताली बजा के जय माता की, प्रेम से बोलो सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की, ताली बजा के जय माता की। ये छोटी वाली कन्या आपको चुपचाप ही रहती है। अभी खा लेगी फिर उसमें एनर्जी आ जाएगी। क्यों छोटी वाली नाम अपने अपने बताओ, क्या क्या है तुम लोगों के नाम? तुम्हारा तो पता ही है जगत को, पूरी दुनिया को ही पता है। उधर से ही शुरू करेंगे ना, राइट हैंड से। हमारे यहाँ कुछ भी काम होता है तो राइट हैंड से ही शुरू करा जाता है। गुन्नू नारियल खाते हो? तुम्हारे दांतों से ही पता लग रहा है। अब
तो बस लाइन से त्योहार शुरू हो गए, नवरात्रि आ गए, फिर आगे आ जाएगा कुछ, फिर दीपावली आ जाएगी, त्योहार मनाते रहो, मनाते रहो त्योहार। सर्दियों में तो त्योहार ही त्योहार है, है? हाँ त्योहार ही त्योहार है, मनाते रहो। हाँ चुन्नी सोच रहे हैं बाद में बांधेंगे, वरना बच्चे खा नहीं पाएंगे। हमने सोचा बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, तो बच्चों को सबसे अच्छी खीर लगती है, खाते हो सब लोग? जय सब लोग बोलो जय माता की। बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। तुम लोग नाम नहीं बता रहे हो अपने अपने, अपने अपने नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है ओरिजिनल? गुन्नू तो तेरा घर का नाम है, असली नाम असली। स्कूल में भी तुझे गुन्नू बुलाते हैं? जय माता की कहते जाओ। स्कूल में तो कुछ और कहते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है? क्या रंजिका कहेगी मैया को, कहा तुम मैया मैया कहते जाओ, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाओ, मैया मैया कहते जाओ। नवरात्रों में 8 दिन व्रत रहो, 8 दिन व्रत रहने के बाद में 9वें दिन खिलाई जाती है, और जब कन्याओं को भोग लगाओ, कन्याओं को घर पे जमा के, और फिर कन्याओं को बढ़िया बढ़िया खाना बना के, बढ़िया बढ़िया सर खीर हलवा पूड़ी बना के खिलाओ, अच्छा लगता है ना। तो आज हम भी कंजकों को घर में जमा के और नवरात्रों का आनंद ले रहे हैं। कुछ नहीं किया, क्या कुछ रह तो नहीं किया, अभी नारियल रह गया है। हाँ तो बच्चे खाते रहेंगे, मैं रखती रहूंगी, तो मैं छोटा रख दूं, तो मैं बड़ा रख दूं। चलो बच्चों शुरू करो, लड्डू भी मम्मी रख दे। बाप रे कितनी लंबी लंबी सी गेट, मुझे तो बैठा भी नहीं जाता है ज्यादा देर रहते। आराम से बैठ के खिला, शुरू करो। तुम तो लड्डू जैसे हो, तो तुम्हें 2 लड्डू रख दूं? ये लो। खाओ बच्चों, खूब अच्छे से खाना, ठीक है? पीहू के ऊपर सबसे सुंदर लग रही है, देखूं? आप बच्चे सब अच्छे लग रहे हैं, लाल लाल। तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सी देखो निकाल ली है मैंने, है ना? बड़ी सी ये संस्कृति आपको आपको आपके फ्रेंड की तरह ही पहना दे रहे ना। ठीक अब क्या करूं? लाओ इसके
ऐसे हल्का सा घूंघट हटा दो चेहरे से, घूंघट मार के बैठी है। देवी भैया जगह कर दो मुझे। एक ही कहा जा रहा हूँ भाई, सब लोग हमें अपना अपना आशीर्वाद दो खूब अच्छे से। कैसा लग रहा है, स्कूल से छुट्टी हो रही है? फिर से आना अगले नवरात्रों में। तो कन्याओं को खिला के अब चैन की सांस ली है, क्योंकि जब तक कन्याएं नहीं खिलाई थी तब तक खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब क्योंकि खिला लिया है, कन्याएं चली भी गई अपने अपने घर, तो अब आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद में अगले कीर्तन की तैयारी करेंगे, क्योंकि कीर्तन में भी जाना है और ढेर सारी पैकिंग हो जाती है, ढेर सारी तैयारी हो जाती है, तो वो भी करनी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखना ना भूलिएगा। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट्स जो कि अनमोल है वो ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और इससे भी अच्छा हम अगला ब्लॉग जिससे कि बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ब्लॉग भी पहुँचाएँ, जैसे मेरे भजनों को आप पहुँचाते हैं। जय श्री श्याम।